सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज पर। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास मुलाकात में आज तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं हमारे साथ हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज पर। नवीन जी, आप युवा भी हैं और युवाओं के साथ आपका आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो गहरी नाता रहा है, आप उनकी आवाज भी बने। अब आप हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ आप सीएम कैंडिडेट भी हैं, सीएम उम्मीदवार भी हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आपने जो अभियान शुरू किया, किस तरह की स्थिति आप देखते हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में? अगर आज की डेट में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी को ताकत दिलवाना मुख्य लक्ष्य है आम आदमी पार्टी का, जो पूरे हरियाणा के अंदर 15-20 परिवारों ने जो कब्जा कर रखा है उससे छुड़वाना जरूरी है। जो भ्रष्टाचार है हरियाणा के अंदर नौकरियों में, खासकर जो पिछली तीनों सरकारों ने किया, चाहे वो चौटाला की सरकार थी तो चौटाला साहब जेल में, भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, पूरे हरियाणा में गदर था भर्तियों को लेके। अब तो चेयरमैन जो हैं भर्ती बोर्ड के वही गड़बड़ हैं, और जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारी अटकी हुई हैं, हुई हैं तो उसमें भी गड़बड़ है। आम आदमी पार्टी का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि आम आदमी को ताकत मिले, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ आम आदमी को ताकत देना मुख्य लक्ष्य है। रही बात सीएम कैंडिडेट की, तो मैं ना कोई मुंगेरी लाल हूँ कि मैं सीएम कैंडिडेट बनूंगा। हमारा जो मुख्य मकसद है, हरियाणा जोड़ो अभियान हम चला रहे हैं, संगठन मजबूत करना हमारा काम है। कितना संगठन मजबूत हुआ, आप लोगों के बीच जाते हैं, संगठन को मजबूत करने की, कार्यकर्ता जो हैं कितने मजबूत हुए हैं? अगर बात करें लोगों का जुड़ाव कितना हुआ है पार्टी से, क्योंकि अगर दूसरे दलों की बात करें वो चुटकी लेते हैं, वो ये कहते हैं कि नवीन जयहिंद अकेले चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा में, आप ही से पार्टी शुरू हो रही है हरियाणा में और आप ही पे खत्म हो रही है। देखिए, उनको गलतफहमी है, आम आदमी पार्टी के पास हजारों कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता है, हमारा एक कार्यकर्ता इन दूसरी पार्टियों के 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर एक कार्यकर्ता है, और हम पूरे हरियाणा में हरियाणा जोड़ो अभियान चला रहे हैं। तीनों पार्टियां सीबीआई, मैं सीबीआई बोलता हूं इनको, सीबीआई मतलब सी से कांग्रेस, बी से बीजेपी, आई से इन लोग, इस सीबीआई की जमीन खिसकी हुई है, लोग इनसे परेशान हैं, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी जो हरियाणा जोड़ो अभियान है वो इनके हरियाणा तोड़ो अभियान के अगेंस्ट है वो, और इसके तहत कई हजार, मतलब करीब 50,000 लोग पिछले 1.5 महीने में आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, जिन्होंने सदस्यता ली है, और जिनको गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दिल्ली में भी थी। दिल्ली में कोई छोटी पार्टियां थोड़ी थी भाई, कांग्रेस ने 15 साल राज किया था, 15 साल से वो सत्ता में थी, बीजेपी मोदी जी पूरे देश में जीत के आए थे, दिल्ली में भी आम आदमी को अंडर एस्टिमेट किया गया था और उसका भुगतान इन्होंने किया था। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक विकल्प दे रही है लोगों को, भाई हमारा मुख्य जो टारगेट है, हम ये कह रहे हैं भाई इन लोगों की सरकार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए क्या, देखी नहीं क्या गुंडागर्दी? कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री, देखा नहीं क्या किसानों की हजारों एकड़ जमीन को सीएलयू करवा करवा के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, भर्तियों में घोटाले किए, ये हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी अब आई है, बीजेपी को लोगों ने मौका दिया था भाई, बीजेपी के पास आप देखिए, बीजेपी को किसी को नहीं था कि बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी को मौका दिया गया, उन्होंने हरियाणा के अंदर जातिवाद का जो जहर फैलाया है वो तो आज तक हरियाणा में नहीं होता, हरियाणा में तो भाईचारा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य है लोगों के बीच में जाना कि आपको स्कूल चाहिए कि नहीं, हर जाति के बच्चा पढ़ना है ना, हर जाति के नौजवान को रोजगार चाहिए है ना, हर जाति की माँ बहन की जो इज्जत है उसको बचाना है ना, तो इन्होंने तो जातियों में बांट दिया है ये सारी की सारी पार्टियां, जाति और क्षेत्र के अलावा, धर्म के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास है, अगर कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी बीमार होता है, हर जाति का आदमी बीमार होता है ना, हर धर्म का होता है ना, अब उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल चाहिए ना, डॉक्टर चाहिए ना। अब हमारे खेल मंत्री हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है, ट्विटरबाजी के अलावा कोई काम नहीं है, ट्विटरबाज मंत्री हैं, हमने तो पहले भी कहा था कि भाई इनको ट्विटर कोई मंत्रालय दे दीजिए।
तो पूरे हरियाणा में लोगों के बीच में लेके जाने का आम आदमी को यही है, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अगर लोगों को लगेगा कि भाई नहीं हमारे को तो जातिवाद अक्षेत्रवाद और ये चाहिए, तो ठीक है भाई ये है ही। अगर आपको रोजगार चाहिए नौजवान को, अगर आपको कर्ज ना लेना पड़े, अगर आप बीमार हो जाए तो इलाज के लिए, आपको अपनी जमीन ना बेचनी पड़े, तो आम आदमी पार्टी है। किसी की हिम्मत नहीं हो कि किसी की मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखे, मतलब अगर नजर से देखे तो उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। सरकार ने तो सख्त कानून बनाया बेटियों के लिए। अरे कहां भाई साहब, रोज आप देखिए ना रेप की घटनाएं, रोज आप रोज अखबार में देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर जंगल राज है। और मुख्यमंत्री, हम तो ये मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब सबसे डरपोक और सबसे कायर मुख्यमंत्री हैं, जो अपने स्टेट के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, ना वो भाण बेटी की इज्जत की सुरक्षा कर सकते। क्या किया है बताओ? वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, बड़ी कामयाबी मिली, जो लिंगानुपात में जो डिफरेंस आया था उसको, वो सारी रिपोर्ट झूठी, इनकी लिंगानुपात की रिपोर्ट सारी झूठी है, वो घोटाला सामने आ चुका है। पूरे हरियाणा में अगर कोई भी वर्ग खुश हो, कोई भी अक्षेत्र खुश हो, ये धर्म की राजनीति करते हैं ना, तो ना तो हिंदू खुश है, ना मुस्लिम खुश है, ना सिख ना ईसाई। भाई इन लोग किस एजेंडे के ऊपर ये सरकार में आए थे? मुख्यमंत्री जी की बात करें हम, गाय गाय करते रहते हैं। अरे गाय को हरियाणा में खूब लोग मानते हैं, हम आज भी रोटी निकालते हैं, मेरे घर में आज भी गाय बंधी हुई है, पूरे गाय माता बोलते हैं ना, गाय माता सड़क पे कूड़ा खाए, हमारी माता कूड़ा खा रही है। और इस सरकार के पास क्या है? चुनाव से पहले तो गाय माता अब क्या होगी? तो इनका कोई, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर इनको लोग स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट ढूंढने के लिए पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, लोग उनके पास जा नहीं पाते, इतनी बड़ी सुरक्षा चाक चौबंद। हमारा भी तो मुख्यमंत्री है, रोज मिलता है लोगों से, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लोग मौका देंगे। भाई हमारे माँ बाप कोई, हम तो कोई बड़े बाप के बेटे हैं नहीं, और आम आदमी पार्टी में तो सारे आम आदमी हैं। अब हम तो कोई अरबपति खरबपति नहीं है, ना हमारे कोई बाप दादा MLA MP रहे, तो आम आदमी को ताकत देना हमारी प्राथमिकता है। वहीं अगर राजनीतिक जमीन की बात करें, इनेलो बसपा के साथ जेल भरो आंदोलन के जरिए राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत कर रही है। बीजेपी में आपने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से चुनौती पेश करेगी? कांग्रेस की अगर बात करें, वो भी उसमें कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है, कोई रथ यात्रा निकाल रहा है। आप हरियाणा जोड़ो की बात कर रहे हैं, किस तरह से चुनौती देंगे? आम आदमी पार्टी का हरियाणा जोड़ो अभियान चल रहा है, उसमें कार्यकर्ता लोगों के गांव-गांव मोहल्ला हर वार्ड में जा रहे हैं। जहां तक आपने बात करी इनेलो और बसपा के जेल भरो, ये जेब भरो आंदोलन की जो है ना, ये जेल नहीं जेब भरो के लिए आंदोलन किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात है साइकिल यात्रा, कांग्रेस पगड़ी गैंग है। कौन सी इस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? तवर कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? वो कहते हैं हम सब एक हैं। हाँ एक कौन, लोगों को सब लोग समझ गए हैं, सिर्फ सत्ता के लिए भाग रहे हैं। मैं कांग्रेस बता दिया जैसे कि ये पगड़ी गैंग है और अलग अलग सबकी पगड़ी है। और रही बात भाजपा की कि भाई मुख्यमंत्री लोगों के बीच में कहाँ जा रहे हैं, पर्दाधारी मुख्यमंत्री हैं भाई, लोगों के साथ संवाद करते हैं, पर्दे के पीछे संवाद करते हैं, पर्दा लगवाते हैं पहले। अरे भाई किस चीज़ का डर है? अगर कुछ किया हो तो पर्दा करने की क्या जरूरत है? तो मुख्यमंत्री हमारा पर्दाधारी है। अभी हाल ही में रैली हुई पंजाब में, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, उन्होंने कहा कि किसानों को हमने बहुत बड़ी राहत दी है, इतिहास में उठा के देख लीजिए किसी की सरकार ने इतनी बड़ी राहत नहीं दी है, फसलों की जो MSP है वो जो है उसमें इजाफा किया और जो किसान हैं अब काफ़ी खुश हैं। उन्होंने रैली की, आपने कहा कि हरियाणा की तरफ से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, इस आरोप को लेकर क्या कहें? देखिए प्रधानमंत्री जी इतिहास की बात करते हैं, सबसे झूठा इतिहास उन्होंने लिख रखा है, उनको इतिहास की शायद जानकारी है ही नहीं। पहली बात तो सारी झूठी बातें जितनी होती हैं इतिहास की, वो सारी झूठ प्रधानमंत्री जितनी, मुझे नहीं लगता कि इनसे झूठा प्रधानमंत्री कोई होगा। दूसरी बात, किसानों की जहाँ तक बात करते हैं तो पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई इन्होंने कुछ किसानों को रिलीफ नहीं दिया आज तक। किसानों के लिए 200 रुपये बढ़ाने की जहाँ तक बात है, फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा है, उनसे हफ्ता वसूल की जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा जा रहा है, किसान को पता भी नहीं है किस चीज़ का पैसा कट रहा है, कौन सी फसल बोई थी, किसका कितना कट गया। और जब
फसल बर्बाद होती है तो उसके पास कुछ है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए तो टोटल जुटा, और भीड़ जुटाने के लिए पंजाब में रैली है, हरियाणा से हरियाणा रोडवेज की बसें यूज की गई हैं, उसकी वीडियो है, फोटो है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे ना। लोग तो आएंगे कैसे, लोग तो नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी ने रैली की थी हरियाणा में, हिसार में। आम आदमी पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो पैसे वाले लोग भी नहीं है, फिर भी हजारों लोग आए थे। जिन्होंने वो रैली देखी तो इनकी आंखें खुल गई थी कि कैसे आए। मुख्यमंत्री की रैलियां होती हैं भाई साहब, 500 लोग नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अब जो भी है अपना सामान पैक करने लग रहे हैं, अब लूट खचोट बड़े उस पर चल रही है, क्योंकि इनको पता है कि सरकार आनी नहीं है। जी अमित शाह जी, बहुत पहले हरियाणा से जो है 2019 के लिए बिगुल बजा चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, केजरीवाल जी कब आएंगे, कब यहाँ पर सक्रियता बढ़ाएंगे? देखिए अभी पीछे हिसार में रैली की थी, भिवानी रोहतक रोड शो हुआ था, अभी पीछे हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। केजरीवाल साहब ने बढ़ा रखी अपनी सक्रियता, और अगले महीने से और ज़्यादा सक्रियता हम करेंगे, और मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग चाहते हैं इसलिए केजरीवाल जी भी आएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर 65+ का नारा दिया है, आपकी पार्टी का क्या नारा रहेगा? किस तरह से जो है आप कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, उनमें जोश फूकेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में जो है आपकी पार्टी एक मौजूदगी दर्ज कराए और मजबूत चुनौती दे? देखिए जहाँ तक बीजेपी का 65+ की बात है, तो या तो 6 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, या 5 हटा दीजिए, एक फिगर हटा दीजिए, 5 या 6 कर सकते हैं आप। हरियाणा में 5 या 6 ही सीट आएंगी बीजेपी की। ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, उनका फीडबैक बता रहा हूँ मैं तो आपको। बीजेपी के साथी भी सुन रहे होंगे, उनको भी पता है इस चीज़ का। उनके एमपी उनके कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एमएलए कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, कोई टिकट लेने वाला है नहीं उनका, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के साथ धोखा किया है, और इतना बड़ा धोखा किया है तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, और लोग मुझे लगता है कि जब सबको मौका दिया है तो भाई एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। हम तो लोगों के बीच में जाके यही कहेंगे भाई सबको, हमने कौन सा पाप कर दिया, अरे सारे लूट लूट के खा गए हरियाणा को, अगर भाई हम लगे कि हम ठीक नहीं है, हम तो एक मौका मांग रहे हैं लोगों के पास, और हरियाणा के लोग मौका देते हैं। हम तो यही कहेंगे भाई अगर हम भी मौका हमें दे दीजिए आप, अगर हम काम नहीं करें तो जूत मार के बाहर कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, जनता है सब कुछ, जनता ही मालिक है ना, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जनता मालिक है, जनता ने दिल्ली में सराकों पर बिठाया, बहुत भारी मैंडेट से जो है सरकार को चुना, लेकिन आरोप ये लगते हैं, तमाम सियासी दल जो है ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, पंजाब में एक भारी चुनौती दी थी लेकिन वो दर्जा नहीं मिल पाया, सत्ता के करीब आते हुए भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए, ऐसे में हरियाणा में किस तरह की चुनौती? देखिए आम आदमी पार्टी का मकसद सत्ता पे काबिज होना नहीं है, पहली बात तो आम आदमी को ताकत देना उसका मकसद है। रही बात जो लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने काम नहीं किया, तो दिल्ली की जनता से जाके पूछिए, बिजली हाफ पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, पूरे देश में 20,000 लीटर पानी फ्री दिल्ली में दिया जाता है, शहीद को 1 करोड़ रुपया दिल्ली में दिया जाता है, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है, पूरी दुनिया में जिसकी प्रशंसा हुई है, हर आदमी का फ्री इलाज है, प्राइवेट हॉस्पिटल तक की फीस सरकार चुका रही है, 2,500 रुपये पेंशन है, किसानों की जब फसल बर्बाद हुई तो 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिल्ली सरकार ने दिया, पूरी देश के अंदर किसी भी सरकार ने अगर ये काम कर रखे हो तो बता दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं दिल्ली में काम नहीं हुआ, तो उनको दिल्ली शायद देख नहीं रहे, वो कहीं और से ही उसको दिल्ली देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है, आम आदमी पार्टी 5-6 साल पुरानी पार्टी है, जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में आज विपक्षी दल हैं, तो हम अपनी विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं भाई, लोगों को लगा कि हमें अभी मौका नहीं देना तो कोई बात नहीं, जनता का हमने स्वीकार किया, जनता ने जो निर्णय दिया उसका स्वीकार है। और मुझे लगता है कि पंजाब में भी लोग ये गलती मान रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी को फुल मौका देना चाहिए था, और हरियाणा में हम लोगों के बीच में जाएंगे, एजेंडा लेके जाएंगे, दिल्ली के मॉडल पे बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे, अब जाति की तो धर्म की क्षेत्र की तो बात हम नहीं करेंगे भाई, हम ऐसी बात नहीं, अगर जहर फैलाने की राजनीति हमारे बस की बात नहीं है कि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जहर फैलाओ, उस राजनीति से अच्छा ही है
कि भाई हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप कह रहे थे कि धोखा दिया है मौजूदा सरकार ने, लेकिन अगर आप किसानों को देखें, उनकी जो स्थिति है, आप किस तरह से किसानों की जो स्थिति है उसको देखते हैं और बेहतर करेंगे? मुझे लगता है कि किसानों की स्थिति इस देश में, इस राज्य में आज सबसे बुरी है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। आप कोई भी काम धंधा कर लें, उसमें भी आपको 2 रुपये हो सकता है कि बच जाएं। हालांकि आज स्थिति ये हो गई है देश में कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, आपको अपना परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन किसान के साथ तो इतनी स्थिति खराब हो गई है कि किसान के पास कोई रास्ता नहीं है और सरकार किसान के साथ खड़ी नहीं, क्योंकि किसान यूनिट, एक जो बोलते हैं ना किसान वोट बैंक, नहीं लग रहा है पार्टियों को। और हमें लगता है कि ये देश किसानों का देश है, जवानों का देश है, इसमें सबकी हिस्सेदारी है, सबके मतलब किसानों की जो आय है। किसान आज के दिन मुझे नहीं लगता कि एक परिवार भी चलाता है। अगर एक कोई डीसी रेट पे भी नौकरी करता है वो भी किसान से ज़्यादा इनकम कमा लेता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि 2020 तक किसान की आय 1.5 गुना करने का लक्ष्य है, उनको राहत देने की बात की जाती है। मतलब ये लिखवा के लेके आ रहे हैं क्या 2020 में इनकी सरकार बनेगी? कहाँ सरकार बन रही है, यही तो इनके जुमले हैं, यही तो हवा हवाई है कि 2020 में हम ये कर देंगे, 2022 में हम ये करेंगे, 2025 में करेंगे। अरे यार तुम मतलब तुम्हारे ऊपर से लिखवा के ला रखी है क्या तुमने कि तुम्हारी सरकार आएगी? ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है, लोगों के दिमाग को ये करने की बात है कि नहीं नहीं ये यही करेंगे। कुछ नहीं किया भाई साहब, 4 साल हो चुके हैं आज मोदी साहब को, 4। आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के अंदर, इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहां दे दी भाई 1 करोड़? लोगों की 2 करोड़ नौकरियां छीन ली इन्होंने, जो इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, करो ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू, एड दे दे कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया। अरे किसान को पता ना क्या मिला तेरे को? कुछ भी नहीं मिला भाई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, टोटल हवा हवाई बातें। अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी पीआर है इनकी, अच्छा भाषण देना आता है। वो कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है हम उससे बेहतर काम कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने भी जो हमारी पॉलिसीज हैं किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो भी सहमत हैं उससे। देखिए पूरे देश में मुझे लगता है कि आप किसानों के पास जाइए, हरियाणा में किसानों के पास जाइए, वो बताएंगे आपको कि वो कितने खुश हैं मोदी सरकार से। अगर किसान खुश होते तो मुझे लगता है कि रोडवेज की बसों में भर भर के लोगों को नहीं लेके जाना पड़ता। किसान तो ऐसा, अगर किसान के लिए कोई कुछ करेगा तो किसान से अपना घर से खाना लेके आएगा, खुद अपना भाड़ा लगाएगा और फिर आपके पास आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसान पूरे देश में कहीं पे भी खुश है, पूरे देश में कहीं पे। मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए हमने MSP बढ़ा दिया है, पहले यूरिया नहीं मिलता था, खाद की प्रॉब्लम थी, वो हल कर दी है। हरियाणा के अंदर यूरिया पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, थानों में मिला है, थानों में लाइन लगी है किसानों की, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो यूरिया कहाँ मिल रहा है भाई, कहाँ जा रहा है यूरिया? किसान इस देश का सबसे ज़्यादा परेशान है इस सरकार के दौरान। जितने इन्होंने किसानों से वादे किए थे, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। फसल बीमा योजना के नाम पे कई 1000 करोड़ रुपए अकेले हरियाणा से जाता, पूरे देश में कितना पैसा जाता हुआ मुझे नहीं लगता कि किसान को उसका कुछ मिलता हुआ। अगर किसानों की बात हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा किसानों की एक डिमांड होती है, उनकी मांग होती है, SYL सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा का, पंजाब भी दावा करता है। आपकी पार्टी के लोग जब पंजाब में होते हैं तो SYL को लेकर कुछ और दावा करते हैं, हरियाणा में आप CM उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, आपका क्या पक्ष है, आप क्या क्या स्टैंड लेते हैं SYL पे, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ और बात होती है? देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं कोई CM उम्मीदवार नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया ना, मैं कोई मुंगेरी लाल हूँ। मेरा मकसद है पार्टी को मजबूत करना, मेरा मकसद है पार्टी के संगठन को मजबूत करना। CM कोई आम आदमी ही बनेगा, आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी ही बनेगा। मतलब आप आम आदमी पार्टी नहीं, आप आम आदमी नहीं है? नहीं, मैं आम आदमी है ना, तो CM बनाने का तो बहुत आगे की बात है ना भाई साहब। पहले तो संगठन को मजबूत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद की चीजें हैं। हम इतने बड़े बड़े सपने नहीं लेते, हम कोई मुंगेरी लाल नहीं है, ना हम हवा में बात करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो भी डिसीजन SYL का, जो डिसीजन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। करना किसको है भाई, सरकार किसकी है? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है ना, सेंटर के अंदर, देखिए सुनिए, सेंटर के अंदर भी तो बीजेपी की है, क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा करे, और कहीं ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं आपको बताऊं कि सीधी ही बात है, हर किसान को पानी की जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत है उसको पानी मिलना चाहिए। इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर अलग अलग विवाद हैं, नदियों पे विवाद हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ राजनीति की गई है SYL के नाम पे। इनलो पार्टी, अरे बादल साहब मुख्यमंत्री थे, वो उनके साथ वैसे बिजनेस पार्टनर, पानी के ऊपर मतलब झगड़ा करते हैं, चाय साथ में बैठ के पीते हैं।
इन लो वाले उनके साथ चाय बैठ के पीते हैं, बादल साहब के साथ वो कहते हैं मैं खून बांधूंगा, हुड्डा साहब कहते हैं मैं खून बांधूंगा। अरे मुख्यमंत्री थे 10 साल, एक गिलास पानी आया क्या? एक गिलास पानी अगर लाने की हिम्मत हो, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, वहां पे अमरिंदर सिंह भी है, तो अमरिंदर सिंह कहते हैं कि नहीं मैं खून बांधूंगा। लोगों को बेवकूफ समझाया क्या कि आपके दादा ने मतलब एसवाईएल पे राजनीति की, अब आपके पोते भी एसवाईएल पाएंगे? ये नहीं हो सकता। हर आदमी समझदार है, सबको पता है कि क्या स्थिति है। हम ये मानते हैं, आज भी कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इंप्लीमेंट करवाओ भाई। अब अभय चौटाला जी कस्सी उठा के जाते हैं कि मैं नहर खोद के लाऊंगा। अरे कस्सी से नहर पानी आता है क्या भाई? भीम हो जरा संघ हो क्या होगी, घुटना मार के पानी निकालोगे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति होती है, टोटल राजनीति। इन मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, उस पर राजनीति करनी हो तो हम भी कुछ भी कर दें। जी आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगते हैं, क्योंकि पंजाब में आप कहते हैं कि ये हक जो है पंजाब का है, पानी राजनीति झूठ की होती है। हरियाणा में जब पार्टी से सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हरियाणा के फेवर में दिया है भाई। हम तो ये कह रहे हैं ना, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का, यूपी का, देश में कहीं का भी किसान है, सबको पानी मिलना चाहिए। किसका ज्यादा हक है आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है भाई, हरियाणा का हक है तो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, उसका इंप्लीमेंट कराना केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। फिर उसमें देरी क्यों हो रही है? इनके बस की बात नहीं है इनकी, राजनीति फिर कैसे करेंगे? अरे भाई जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो राजनीति कहां आएगी? फिर राजनीति करने के लिए तो बचेगा नहीं, आप फोके फोके राजनीति करते रहो, ताकि आपके पास और मुद्दों की जरूरत ही ना कोई बोले, ना कोई नौजवान बोले, ना रोजगार चाहिए जी, वहां पे ले आओ किसी दूसरे इशू को उठा के। तो सिर्फ राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप अगर सत्ता में आते हैं तो किसानों को उनका हक मिलेगा? हम तो जैसे आपको बताया, हम सत्ता में आए, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली मॉडल चलेगा, हर आदमी को अधिकार मिलेगा उसका जो अधिकार है। हमारी पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए सरकार नहीं है, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सरकार है, जिसको जरूरत है, जो 100 करोड़ का आदमी है ना, उसके लिए हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार है जो 100 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारी सरकार है कि किसी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज हो जाए। हमारी सरकार उसके लिए है जो एक सरकारी स्कूल है वो इतना बेटर हो कि उसको प्राइवेट स्कूलों के नाम पे लूटमार ना हो उसके साथ। जी वहीं बात करें, अभी HSSB बोर्ड का जो चेयरमैन है, आपने उनको लेकर हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि किसी भी जाति धर्म, किसी भी जाति या किसी भी धर्म की बात है, किसी के बारे में किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक इतना क्वेश्चन किसी जाति के बारे में क्वेश्चन किया जाता है और उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती, उसको हटा दिया जाता है राजनीतिक दबाव की वजह से। अब जब हटा दिया गया उनको, तो भाई वापस क्यों लिया गया ये तो बता दीजिए। कहां पे FIR हुई है, किसके खिलाफ FIR की, किसने वो क्वेश्चन लिया? और बीजेपी तो ये कहती थी कि हम तो क्या नाम है, मतलब क्योंकि जाति के नाम पे ही तो चलता है ना इनकी राजनीति। तो हमने तो बहुत लोग आए हमारे पास, बहुत कह रहे हैं, ब्राह्मण तो कह रहे हैं कि हम तो शराब देंगे इनको, और शराब मुझे लगता है अभी दे भी दिया होगा, और दे ही दिया। अब जो स्थिति है बीजेपी की, तो ये तो लगेगा पूरा। जाट आंदोलन की अगर बात करें, आपको क्या लगता है, क्योंकि जाट आंदोलन के दौरान जो कुछ भी प्रदेश में हुआ वो सबने देखा, आपने भी देखा, आपका क्या मत है? उस दौरान जो कुछ घटनाएं सामने आई, आरोप ये लगते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो करीबी हैं उन पर भी आरोप लगे, पार्टी पर भी आरोप लगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए तीनों मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित थे, तीनों की पार्टियां सम्मिलित थी, इनलो पार्टी सम्मिलित थी पूरी तरह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मिलित थे, उनके जो PA रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग इनलो के आदमी के साथ कन्वर्सेशन सबने सुनी, और खट्टर साहब इन्वॉल्व थे। तीनों की सम्मिलितता से ये चीज़ें हुई हैं। हरियाणा के भाईचारे को ख़त्म करने में CBI का बड़ा योगदान रहा है। CBI मतलब कांग्रेस, बी से BJP, आई से इनलो। इतना बड़ा फसाद हुआ और ये आम आदमी कोई नहीं लड़ता भाई साहब, आम आदमी को कहीं नहीं जरूरत है लड़ने की, ये पॉलिटिकल लोगों द्वारा सारी चीजें सेटिंग करके ये चीजें करवाई गई ताकि हरियाणा को जातियों में बांट दिया जाए, क्योंकि हरियाणा में कुछ किया तो है नहीं बीजेपी ने। अब किसी ना किसी को तो इशू चाहिए ना भाई, आपसे इशू की बात हो ही नहीं, आप लड़ाई झगड़े जब आप करवाओगे तो आप वही जिक्र होंगे, उन्हीं के ऊपर राजनीति चलेगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी दोषी हो सबको सजा मिलनी चाहिए, जिसने इसमें सबसे बड़े सजा कौन है,
जो ये नेता उनको पढ़ो ना यार, आम आदमी को उठा उठा के जेलों में ठोकोगे आप, आम आदमी को उठा उठा के केस लगाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे किसी एमपी एमएलए, मैं ये कहता हूं कि इनके एमपी एमएलए सब शामिल थे कि किस तरह से हरियाणा के अंदर आग लगे, कोई आम आदमी शामिल नहीं था। ये सिर्फ अब पकड़ के लोगों को, इनको बंद कर दो, इनको छोड़ दो, उनका क्या उसमें लेना देना था। आग लगाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे और उन्होंने हरियाणा में आग लगवाई, इसलिए आग लगवाई कि उनकी राजनीति, उस आग पे राजनीति की जो रोटियां हैं वो सेकते रहे। भाई आप एक बात आओ, आप पंगा करवा दिया आपने, आप सीधी बात है, आपने जातियों के नाम पे हरियाणा में जहर बांट दिया, जाति के बारूद पे बैठा है हरियाणा, इशू कुछ नहीं है। अरे रोजगार की बात की थी आपने, 1 लाख रोजगार देंगे, कौन से रोजगार दे दिए, 20,000 रोजगार भी नहीं दिए 4 साल में, 20,000 भी रोजगार एक साल में 1 लाख देने की बात हुई थी। कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा में जंगल राज हो गया है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई किसानों के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बाहर घूम घूम के आते हैं, आज तक तो हमने तो देखा नहीं एक भी ईंट पूरे हरियाणा में लगी हो, तो कहते हैं इतना इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, क्या लगा दिया भाई। एमएलए उनके खुद कह रहे हैं कि सरकार में कुछ नहीं, एमपी उनके कह रहे हैं, तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब एक बात बताइए, इन्होंने चुनाव लड़ा था, अनिल विज साहब कह रहे थे 6 महीने के अंदर जीजा श्री को अंदर डाल देंगे, जीजा श्री ने सब कुछ खा लिया, जीजा श्री रॉबर्ट वडेरा के नाम पे चुनाव लड़ा गया भाई, हुड्डा ने ये खा लिया, हुड्डा ने ये खा लिया, अब वो जीजा श्री क्या बीजेपी का फूफा श्री हो गया क्या, क्या हो गया। अब हुड्डा साहब ने कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने ये किया वो किया, अरे फिर उठा के जेल में क्यों नहीं डालते भाई, अगर किया तो डालते क्यों नहीं। हाँ कि कोर्ट का आदेश का, जब आप इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं करवाओगे, कोर्ट का तो बाद की बात है ना, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई कोर्ट का। और फिर 6 महीने में आप मतलब कैसे डाल रहे थे, चुनाव से पहले आप कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी अंदर डाल देंगे, रॉबर्ट वडेरा को भी अंदर डाल देंगे, हम तो विज साहब से भी, अरे बीजेपी से, वो जो जीजा श्री की जो इन्होंने बुक निकाल ली थी, क्या हुआ वो फूफा श्री हो गया क्या बीजेपी का, हम तो ये पूछना चाहते हैं, लोगों को कहा था ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि अंदर से जो है सांठ गांठ है, दोनों एक हैं, सांठ गांठ है, सीबीआई का मतलब यही तो है ना, तीनों ही इकट्ठे हैं, मिल बांट के हरियाणा को खाना है, लूटना है भाई। आम आदमी हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे इनकी असलियत क्या है, 20 परिवार हैं पूरे हरियाणा में, इन्होंने लूटमार मचा रखी है, मतलब जिनकी कन्यादान डालने की औकात नहीं है ना, जो 100 रुपये लड़की की शादी में कन्यादान नहीं डालते, ये सरकार में आते ही 1,000-1,000 करोड़ के आदमी बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं भाई, हम तो नहीं बढ़ पा रहे, कोई भी आम आदमी है वो तो नहीं बढ़ पा रहा, उनकी तो इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकी इनकम एकदम चली जाती है। तो पूरे हरियाणा को लूट लूट के इन्होंने जो खाया है, इनके जो परिवार हैं, इनका एक बिजनेस है, इनका एक धंधा है राजनीति, इनके लिए सेवा नहीं है। और आम आदमी पार्टी का मुख्य लक्ष्य ये है लोगों के बीच में जाके इनकी असलियत बताना और लोगों की जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा था कि आप जनता को जोड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम सियासी दल जो हैं वो जनता के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो आपका क्या दावा है, कितनी सीटें आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए मुझे लगता है कि ये तो जनता ही बताएगी, जनता ही तय करेगी कितनी, हम तो दिल्ली में भी ये कह रहे थे जनता तय करेगी, हम क्या बताएं इसमें कितनी सीटें हैं कितनी नहीं, हम झूठे तो हैं नहीं, हम अंतर्यामी तो हैं नहीं, भविष्यकर्ता तो हम हैं नहीं कि हम बता देंगे। अब भाई बीजेपी भी ये कह रही है 70 आएंगी, कांग्रेस भी कह रही है 70 आएंगी, इन लोग भी कह रही है 70 आएंगी, तो 210 होगी, ये तो सीट तो 90 ही है, ये तो जनता तय करेगी कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं। हमारा मकसद है जनता के बीच में जाना, लोगों को बताना, और हम एक राजनीतिक विकल्प के रूप में हम सामने खड़े हैं लोगों के। दावा तो आप भी कर रहे हैं कि सरकार इस बार आपकी बनेगी, विकल्प जो है ये विकल्प जनता को स्वीकार्य क्यों होगा। देखिए हमें लगता है, देखिए आम आदमी पार्टी चमत्कारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में जाती है, आम आदमी पार्टी से लोगों को आशाएं हैं, इन सभी पार्टियों को लोग देख चुके हैं कि कुछ हाथ पल्ला नहीं है भाई, अपने अपने घर पर रहे हैं ये, इनने कुछ नहीं करना किसी के लिए। आम आदमी पार्टी को लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे जैसी पार्टी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, आंदोलन से पार्टी शुरू हुई, और भी बड़े बड़े नाम आए, मनीष सिसोदिया आए, तमाम जो बड़े बड़े नाम है अगर गिनना शुरू करें तो लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो आपके अलावा कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता। अरे हम कौन से बड़े नाम है भाई, हम तो कार्यकर्ता है, छोटे ही नाम है हमारे भी, आम आदमी है ना, आम आदमी है। देखिए आम आदमी की जो सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी थी वो नेताओं के दम पे नहीं बनी थी,
वो लगा था लोगों को कि भाई हाँ आंदोलन करने वाले लोग हैं और ये साफ लोग हैं, अच्छे लड़के हैं, संघर्ष करते हैं और इनको मौका देना चाहिए। लोगों के पास विकल्प था और हरियाणा में भी यही है, विकल्प है। जो हरियाणा का आम आदमी है, आम आदमी को जरूरत थोड़ी है, सारे चेहरे हैं आम आदमी भाई। आम आदमी जो है वो ही चुनाव लड़ेगा, वही पैसे देगा, किसी बड़े आदमियों के उससे पैसे से थोड़ी चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में भी तो ऐसे ही तो हुआ ना। तो आम आदमी जो है वो जब उसको लगेगा तो वही चुनाव लड़ेगा, वही जीत के आएगा भाई। हम तो एक बात कह रहे हैं, ये जो 20 परिवार हैं इनके जो छोरा पैदा होगा वही एमएलए एमपी बनेगा क्या? अरे आम आदमी का छोरा नहीं बढ़ सकता क्या एमएलए एमपी? हम तो लोगों के बीच में जाके यही कहेंगे भाई, अरे आम आदमी के छोरे ने छोरी ने बनाओ ना एमएलए एमपी। इनके लिखवा रखी है ये वाली बात तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, इनकी लिख रखी है ये परिवारवाद को उखाड़ के फेंकना आम आदमी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इन्होंने जो लूट लूट के खा रखा है, उसी का दादा, उसी का बाबू, उसी का बाप, परपोता, पड़पोता, अरे यार गुलाम थोड़ी है हमें। आम आदमी पार्टी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सपने थे उसको सपने को पूरा करने के लिए चली हुई है। इस परिवारवाद को उखाड़ के फेंकना हमारा लक्ष्य है। और नवीन जैन कोई एमएलए एमपी किसी का बाप दादा? हमारा हमारा तो दादा तो फौजी था, हमारा बाबू वो जैसे बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ, तो हमारा बाबू था हाउस हस्बैंड है भाई। हम तो अपना भैंस बांध रहे हैं, गा अपने दो रोटी चौपड़ के खा लेते हैं, हमारे बाप दादा के पास तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम तो लेकिन है ना, आम आदमी पार्टी ने मौका दिया ना। नवीन जैन क्या है भाई, हमने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, वहां पे ही छात्र राजनीति की, लोगों की सेवा की, अब पार्टी ने बना दिया। अभी ये तो हमारे को कुछ भी ना बना, ये तो मतलब इतने पैसे लेते हैं, हमारे पास है ही नहीं। लेकिन हमारा जो है ना मुख्य टारगेट, हम शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं, अशफाकुल्ला से प्रेरणा लेते हैं, बिस्मिल से प्रेरणा लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद से लेते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए हरियाणा के अंदर जो नौजवान हैं उन नौजवानों को ये पता, हम लोग, मैं नौजवानों के पास जाके क्या कहता हूँ, मैं यही तो कहता हूँ ना भाई, हमारी शकल खराब है क्या, हम इनसे पढ़े लिखे हैं क्या? मतलब ये जो 20 परिवार हैं कौन पढ़ा लिखा है भाई ज़्यादा? कौन मतलब ये ज़्यादा मतलब कुछ आता है क्या नहीं? वो इनसे हर जगह अच्छे हैं हम। अब ये है कि हमारा बाप एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं था, तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे। और हम तो कहते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं, अरे भाई कोई अपने बाप के नाम से खा रहा है, कोई अपने दादा के नाम से खा रहा है, कोई चाचा के नाम से खा रहा है, कोई किसी के नाम से खा रहा है, अपने दम पे करके दिखाओ ना, पता चलता है। बाप का नाम, दादा का नाम, उसका नाम, फलाने का नाम, अपने दम पे करके दिखाओ। हम अपने दम पे जीने वाले लोग हैं। और आम आदमी का जो कार्यकर्ता है हमारी पार्टी का, वो एक एक कार्यकर्ता हमारे इन जो ये पार्टी है ना इनके 1000 के बराबर है। और हम ऐसे ही नहीं कहते, वो अपना तन मन धन समर्पित करके पार्टी के लिए खड़ा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो उस सपने के लिए खड़ा है। और मुझे लगता है कि जब लोगों में ये चीज़ आएगी, और नौजवान साथी तो ये चीज़ ऐसी बात नहीं है, अब समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कहते हैं, जब आपने परिवारवाद की बात की, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता, ये और सियासी दलों में चलता है, लेकिन एक आम इंसान, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए ये इतने झूठे आदमी हैं, महा झूठे आदमी, महा झूठी पार्टी। अमित शाह जी को क्या ज्ञान नहीं है अनुराग ठाकुर किसका लड़का है? उनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारे गृहमंत्री का लड़का भी एमएलए है? उनको मतलब कितनी मतलब उनको जानकारी दी जाएगी? यार आप ये बता दीजिए अमित शाह जी, आपकी पार्टी के अंदर कितना परिवारवाद है, कितने एमपी एमएलए हैं जिनके बाप दादा कुछ ने कुछ थे आपकी पार्टी में? अमित शाह जी इतना टैलेंटेड आदमी है कि आप उनका खुद का लड़का का देख लीजिए ना भाई, उनकी 2 साल के अंदर कितने पता नहीं 50-60 लाख रुपए से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इन लोगों को देखिए, वो कहते हैं जब जिनकी हरियाणा में बोलते हैं दखरी है, तो दखरी है तब तक कुछ भी बोलते रहो भाई, उसमें तो क्या कह सकते हैं। तो आपकी पार्टी में ये नहीं रहेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा किसी भी एमएलए का या? ना ना ना, यहाँ तो देखिए, यहाँ कहाँ किसी का कोई परिवारवाद नहीं, आम आदमी पार्टी ने पॉलिसी बना रखी यहाँ पे कि मैं अब हो गया मेरा बच्चा सीधा आगे एंट्री मारेगा, ऐसा किसी का नहीं है। यहाँ तो कोई कितना ही बड़ा है कितना ही छोटा है, चाहे मेरा पूरा परिवार लगे, सबको झाड़ू मारनी पड़ेगी भाई, सबको झाड़ू चलानी पड़ेगी।
यहाँ कोई फन्नेगा नहीं आएगा कि आया और आप उसको टिकट दे दी, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में पट जाएगा और फिर वहाँ पे यहाँ पे टिकट ले लेगा। यहाँ आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं चल सकता। देश का जो माहौल चल रहा है, 4 साल हो गए हैं मौजूदा सरकार को, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ के नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया और तमाम जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, युवाओं को कहा जा रहा है कि हमारा जो देश है युवाओं का देश है, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो चल रहा है, आप क्या देखते हैं, क्या उम्मीद है हरियाणा से लोकसभा चुनाव में आपकी जो पार्टी है, कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं? देखिए, जिताऊ उम्मीदवार तो जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी तय करेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जहाँ तक 4 साल की बात है, इस सरकार के 4 के 4 साल लोगों को ऐसे बहका के निकाल दिए इन लोगों ने। कभी लोगों के झाड़ू पकड़ा देते हैं, कभी योग शुरू करवा देते हैं, कभी कुछ शुरू करवा देते हैं, लोगों को बहका बहका के टाइम निकाल दिया। तो योग में खर्च क्या है, लोगों की सेहत अच्छी? हाँ, सेहत अच्छी है। सेहत तो फिर कौन सी सेहत अच्छी हो रही है भाई, मतलब भूखा मार के सेहत अच्छी होगी क्या? लोग डिप्रेशन में ज़्यादा सुसाइड कर लेंगे, वो सेहत अच्छी क्या? अरे आप झाड़ू पकड़ा दिया, एक दिन सड़क पे मार दिया, अरे आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं करते? जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरी तनख्वाह क्यों नहीं देते? वो करेंगे ना, आप भर्तियां क्यों नहीं करते? आप योग, अरे योग आप करो ना, पूरे देश में लागू कर दो। योग तो तभी करेगा ना आदमी कुछ खा पी के, किसके लिए योग करवा रहे हो? ये योगियों का ही देश है, मोदी जी को योग बताने की जरूरत नहीं है इस देश में। लेकिन योग तो तब करेगा ना जब खाने के लिए घर में रोटी होंगी। अब रोटी नहीं है तो योग करेगा तो वो क्या करेगा फिर? पूरे 4 साल के अंदर सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हुई हैं। और ये देश के नौजवानों ने समझ भी लिया है कि इस देश के अंदर बीजेपी की क्या पॉलिसी है। आपको समझना पड़ेगा, इस देश में जहां धर्म की लड़ाई करवानी है वहां धर्म की करवाएंगे, जहां जातियों की करवानी है, जिस स्टेट में जहां धर्म की नहीं हो सकती वहां जातियों की कराएंगे, जहां जातियों की नहीं हो सकती वहां अक्षेत्र की कराएंगे, जहां अक्षेत्र की नहीं होगी वहां भाषा ही करवाएंगे। इन 4 चीजों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि विकास के मुद्दे, कहां चुनाव, कहां विकास, कौन सा विकास हुआ बता दो दीजिए ना। मतलब इनके खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही, ये मतलब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, वैसे तो आतंकवादियों की पार्टी बोलते हैं ये, फिर सरकार बनाने की बारी आई तो सरकार बना ले। वैसे तो हिंदू हिंदू कश्मीरी पंडितों क्यों नहीं बसाया कश्मीर में भाई, मोदी जी की हिम्मत अगर थी तो बसाया क्यों नहीं वहां पे? उस टाइम तो कहते थे मैं तो कश्मीर में पंडितों को बसाऊंगा। अरे कहां बसा दिया, एक तो बता देना ना, एक भी बता। इसीलिए कहते हैं गठबंधन अलग हो गया। वाह भाई वाह, मतलब आप राज किया, अब आप कह रहे हो गठबंधन अलग। देखिए, इनको जब जो चीजें सूट करेंगी वो ये काम करेंगे। चुनाव में जाना था राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा हुआ आपको? सिर्फ झूठ के अलावा सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बोलते हैं ना राजनीति में श्याम दाम दंड भेद, तो ये पांचवा भी कुछ कुछ न कुछ इनके पास है, वो भी लागू कर सकते हैं। श्याम दाम दंड भेद के अलावा भी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, उसको मंजूर भी किया गया है, अब उस पर चर्चा होनी है, आपका क्या स्टैंड? देखिए, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो अब चुनाव आना ही है, अविश्वास तो जनता में तो है ही, इस सरकार के खिलाफ जनता में तो अविश्वास पूरा है। पूरे देश के अंदर एक माहौल ये पैदा हो गया, क्योंकि मोदी जी से लोगों को बहुत आशाएं थी कि मोदी जी कुछ करेंगे देश के लिए। मोदी जी बताएं ना, इस देश के अंदर कितने हॉस्पिटल खड़े कर दिए भाई, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई क्या, कुछ रोजगार अच्छा हुआ क्या, कोई कानून व्यवस्था अच्छी हुई क्या, क्या अच्छा हुआ देश के लिए, कोई कुछ तो बताएं। बस बाहर घूम के आके कि भाई मैं तो वहाँ देश में वहाँ चला गया, मैं तो वहाँ चला गया, वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आई क्या? वो तो कहते हैं कि गरीबों को जो है स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे, जब आपके सरकारी हॉस्पिटल ठीक है ही नहीं, प्राइवेट वाला कौन आपको मतलब ट्रीटमेंट करवा रहा है, कौन कहाँ पे बता दो देना। फिर इतने लोगों ने लाभ ले लिया, किसने ले लिया? आप कह रहे थे कि नोटबंदी, आप जब नोटबंदी की बात हुई थी देश का बहुत बड़ा हुआ, बताते क्यों नहीं कितने लोग कितने रुपए इकट्ठे हुए? अब कह रहे हैं जितनी थी उससे भी ज्यादा पैसा आ गया। तो ये टोटल मतलब जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया नहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ। कौन सा भाई काला धन, ये कह रहे थे कौन सा काला धन आ गया? ये कह रहे थे आतंकवादी घटनाएं बंद होगी, आतंकवादी घटनाएं बंद होगी नोटबंदी के बाद, नक्सलवाद खत्म हो गया इनका, क्या बंद हुआ है?
दो नंबर के धंधे बंद हो गए क्या? कुछ नहीं हुआ है, सारे ये सारे ऐसे ही चल रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने पहले पता था, उन्होंने सब अपना सेटिंग करके अपना काला धन जो था वो वाइट कर लिया इसमें। लेकिन दावा तो सरकार ये करती है कि नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, उससे पारदर्शिता आई, अब लोग टैक्सेशन से जुड़ रहे हैं, जो सरकार का जो खजाना है वो भर रहा है और उससे विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है, चौथरफा विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है भाई साहब? आपके मतलब गली के ना, गली तक नहीं बन रही है, नाले तक आपके नहीं साफ हो रहे, कौन सा विकास कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बोला था इन्होंने, 100-200 कितनी बनानी थी, कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी बताना? कहां पे बन रही है? कि चांद पे बना दी क्या वो स्मार्ट सिटी? कहां पे देख तो लें, कौन से विकास कर दिया भाई साहब? किस तरह का विकास कर दिया? सारी बकवास बात जी है, सारी झूठ की झूठ है, कुछ भी नहीं है। जिन पॉलिसीज को लेकर विपक्ष और तमाम सियासी दल सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब चुनाव हुए, उन नोटबंदी के बाद चुनाव जितने भी स्टेट्स में हुए वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, फिर विपक्ष ने सवाल खड़े किए ईवीएम पर। तो ईवीएम पे सवाल तो पूरी दुनिया ने खड़े किए हैं। अरे भाई, जो बड़े बड़े देश थे वो वापस ईवीएम से बैलेट पे आ गए, तो ऐसी बात तो नहीं है। और हमने तो करके दिखाया कि कैसे गड़बड़ हो सकती है। पंजाब में तो बीजेपी हार गई, आपकी पार्टी जो है दूसरे। भाई देखिए, वो किस लेवल पर कैसे मैनेज करते हैं वो उनको पता है, लेकिन ये हर आदमी सवाल उठा रहा है। भाई आप एक बात ना, आप जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड वो तो बहुत एडवांस हैं। अरे ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। लोगों को, जब लोग ये चीज कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को समस्या क्या है? वीवीपैट लगवा दें साथ में, क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं लगवाते? अब आपका क्या आकलन कहता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव आने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने हैं, वहाँ मौजूदा तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार है। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है तो तीनों जगह आ रही, वहाँ ईवीएम काम नहीं, जाके वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए ना। जब लोग तो कहते हैं हम वोट डालेंगे नहीं, फिर इनकी वोट मिलती है, बताओ वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगी? जीतने के लिए मैंने आपको बताया ना, श्याम दाम दंड भेद के अलावा पांचवा कौन सा दा है इनका, वो भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में तो बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी, आपकी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए? भाई जब लोग मतलब सारे ही लोग एक तरफा हो जाएंगे तो ईवीएम क्या करेगी? अब ईवीएम तो 10 सेट कर दिया आपने, 20,000 वोट सेट कर दी, हो गया। लेकिन जब 1,00,000 वोट आएंगे एक कैंडिडेट को, फिर वो 20,000 का क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जहां पर मुकाबला है तो वहां पर तो आपकी 5,000 वोट है, जो आपने 5 भी ईवीएम सेट कर दी तब भी हो जाएंगे। चलिए हरियाणा की अगर बात करें, प्रदेश के जो असल मुद्दे हैं, जिस पर आम आदमी का फोकस है, किस पर आप टारगेट करेंगे? मौजूदा सरकार ने जो काम किया, जिसकी वो उपलब्धियां जनता के बीच गिनाते हैं, आप कितने नंबर देंगे? मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कांड किए हैं, कांड। हरियाणा के अंदर 100 से ज्यादा लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। हरियाणा के अंदर भाईचारे का खत्म कर दिया है, जातिवाद का जहर फैला दिया है। कोई एक तो उपलब्धि होगी जिसको आप, ये तो सरकार बताए ना कौन सी उपलब्धि है? उपलब्धि है ना, हरियाणा को मतलब पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया इस सरकार ने, यही उपलब्धि है। हरियाणा को हर बार हर साल जलवा देते हैं, अब फिर तैयारी कर रहे हैं, यही उपलब्धि है। और क्या उपलब्धि है हरियाणा में इनकी? हरियाणा के मुद्दे हैं भाई, रोजगार क्यों नहीं दिया? 50,000, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, 50,000 नौकरियों के लिए 2,000,000 नौजवानों ने फार्म भर रखे हैं, 200 करोड़ रुपये उन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं, आधी कोर्टों में भर्तियां पड़ी हुई हैं, कौन सा रोजगार दे दिया? अरे बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ, सबसे ज्यादा महंगी तो बिजली दे रहे हो आप, 4 घंटे बिजली नहीं दे रहे, ये मुद्दा है ना कि नहीं है? मतलब अब आप मतलब दोबारा एनहेंसमेंट की बात कर रहे हो, सारे उड्डा सेक्टर से जितने भी हैं उनसे फिर दोबारा पैसे ले रहे हो, पानी कितना महंगा कर दिया, कानून व्यवस्था का आपका क्या हाल है? कहीं कोई किसी को छीन ले, गोली मार देता है, कोई किसी के डकैती मार देता है, कौन सी सरकार है ही नहीं हरियाणा के अंदर? कौन कह रहा है हरियाणा में सरकार है? कोई सरकार वरकार नहीं, हरियाणा में गुंडा राज है टोटली। लेकिन हरियाणा में अगर बात करें, कुछ चुनिंदा ऐसे शहर हैं या ऐसे जिले हैं जिनका विकास हुआ है, आम आदमी पार्टी जो है उसका, आप बता दीजिए कौन से पूरे प्रदेश में जो है कहां हुआ है बताइए? पूरे फरीदाबाद, गुड़गांव की अगर बात की जाए तो, अरे भाई साहब अभी तो बारिश आई थी 3 दिन पहले, फरीदाबाद मतलब गुड़गांव जलगांव हो गए थे, कहां के? वो तो दिल्ली में भी हो गया, वो तो दिल्ली में भी निकलना मुश्किल हो जाता है बारिश। दिल्ली में कैसे निकलना मुश्किल हो जाए? ऐसे होता है क्या जैसे गुड़गांव में? गुड़गांव की जाके सड़कें देखिए आप, सारी की सारी टूटी पड़ी हैं, कानून व्यवस्था देख लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, कहां पे डेवलपमेंट हो गया भाई साहब? एक ईंट नहीं लगी है गुड़गांव में। बताइए कितने सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए इन्होंने, कितने कॉलेज खोल दिए, कितने स्कूल खोल दिए, बताइए ना सरकार, बताइए फरीदाबाद में कितने सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए भाई, कितने सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटी, क्या खोल दिया?
कौन सी डेवलपमेंट होती है? नाम बदलने से कोई डेवलपमेंट होती है क्या? अब ऐसे तो हरियाणा का नाम ही रख दो, विकास रख दो नाम, हो गया विकास, ऐसे होता है क्या? आम आदमी पार्टी का क्या विजन कहता है, आप किस तरह किसको विकास मान? हम आम आदमी पार्टी विकास मानती है कि लोगों के हाथ में रोजगार हो। आम आदमी पार्टी विकास मानती है कि किसी की मां बहन बेटी की इज्जत की तरफ कोई हिम्मत ना हो किसी की। आम आदमी पार्टी विकास मानती है कि उसको बिजली पानी मिले, अच्छी तरह सुविधा मिले, सस्ता मिले, अच्छे सरकारी स्कूलों, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं हो। आम आदमी पार्टी उसको विकास मानती है। उद्योग आए उसको विकास मानती है। ये कौन सा विकास है? उसका नाम बदल दिया, उसकी ये स्टेटमेंट दे दी, ये कोई विकास नहीं। प्रदेश की आपने बात की, देश की आपने बात की, लेकिन सेवा भाव, आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत लोगों के बीच में आप गए, युवा आपसे बहुत जुड़ते हैं, लेकिन ये युवा आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, क्या आने वाले समय में जो है पार्टी के साथ जुड़ेंगे? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जन समर्थन आपके लिए आपने दावा किया है, लेकिन विपक्ष और जो तमाम सियासी दल हैं वो इस चीज़ को खारिज करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत कुछ वकीलों को अपनी पार्टी में जोड़ लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमित शाह जी की रैली हुई थी जींद में, माफ लोप, हुड्डा साहब की होती है 5,000 आदमी, अभी इनलोर बसपा जेल भरो आंदोलन करते हैं 1,000 आदमी। आम आदमी पार्टी ने रैली की थी, अपने दम पे की थी हिसार में, 30,000 लोग, 25 से 30,000 लोग थे वहाँ पे, और ये तो उन्हीं की सीआईडी ने बताया है, इनके हाथ पैर फूल गए। तो भाई कैसे होते हैं, और हमारे दिल्ली में भी ऐसे ही दिखता था, आप लोग दिल्ली में भी ऐसे ही कहते थे 2-4 सीट आएंगी, तो आप ऐसे ही कहते रहिए 2-4 आएंगी, हम फिर बताएंगे कितनी आएंगी, जनता बताएगी कितनी आएंगी। यानी जैसी दिल्ली में झाड़ू चली थी, आपको उम्मीद है कि हरियाणा? मुझे तो लगता है कि सीबीआई पे झाड़ू लगेगा और जनता चलाएगी झाड़ू, सीधी सी बात है भाई। आप जाति धर्म क्षेत्र की बात करने वालों को देख लो, ये सीबीआई वाले तो यही हैं। आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, तो आम आदमी पार्टी है। अब भाई हमारे बाप दादे मंत्री एमएलए नहीं है, आप लोगों को ऐसे लगता है तो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी जो है वो तैयार बैठा है आपकी बार कि मौका देना चाहिए। हमने कौन से पाप कर रखे हैं भाई, क्यों नहीं मौका मिलेगा, देंगे, हरियाणा के लोग देते हैं। दिल्ली में मौका मिला आपकी पार्टी को? दिल्ली को बदल के रख दिया जी। दिल्ली को बदल के रख दिया ना भाई, दिल्ली के अंदर आप देखिए ना, मोहल्ला क्लिनिक कितना, मतलब लोगों को सेवाएं दी जा रही है ना, कोई भी बीमार हो जाता है तो उसको बेचारे का इलाज मिलता है ना। और दिल्ली लेकिन आरोप ये लग, काम नहीं करने दिया जाता, एलजी बैठा रखा है ऊपर, केंद्र सरकार ने डंडा दे रखा है, कोई काम तो करने नहीं देता ना, उसके बावजूद ये काम किए हमने। सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे दी है तो काम देखो ना, किसे धड़ाधड़ हो रहे हैं, काम हो नहीं रहे क्या? अभी हमने सर्विसेज की बात, आप एक बात आइए, अभी जो हम सर्विसेज के लिए गए हैं भाई, आपके अंडर में जो किसी को काम करना है कर्मचारी, उसका आपके ऊपर कंट्रोल है नहीं। आपके घर में मान लो खाने बनाने वाला है, आप कहते हैं आपको भूख लगी 9 बजे, खाने बनाने वाले को कहते हो भाई खाना खिला दे, वो कहता मैं तो नहीं खिलाऊंगा भाई, मैं तो 11 बजे खिलाऊंगा, आप तो भूखे मर गए ना, ना आप उसको कुछ हटा सकते, ना आप कुछ कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे काम होगा, नहीं हो सकता काम ऐसे। तो आरोप तो ये लगाते हैं कि जब आपसे काम नहीं होता तो धरने पर बैठ जाते हैं। भाई साहब अपने लिए तो हम धरने पे बैठते नहीं, कभी देखा है आपने कोई सरकार धरने पे बैठेगी? धरने पे सरकार तभी तो बैठती है ना, उसको कुछ जरूरत होती है, उसको कुछ चाहिए। अरे मुख्यमंत्री क्यों मरेगा यार धरने पे बैठ के, क्यों गर्मियों में मरेगा, आराम से घर पर नहीं सोगा, अगर उसको चिंता की जरूरत नहीं है क्या जरूरत है बताओ? जनता के लिए काम करना उसकी जरूरत है, उसकी चिंता है, इसीलिए तो ये झगड़ा कर रहा है वो, मतलब अपने छोरे को कुछ बनवाने के लिए कर रहा है क्या? किस लिए कर रहा है वो? इसीलिए कर रहा है कि जिसके लिए जनता ने हमें वोट दिया था, तो जनता के सेवक हम हैं, अरे सेवा तो करने दो भाई। तो अजय माकन आरोप लगाते हैं, विजेंद्र गुप्ता आरोप लगाते हैं कि जनता ने जो है काम करने के लिए वोट दिया था, आपने इतने वादे किए थे, उसके लिए इतना भारी मैंडेट मिला था, लेकिन आप तो धरने पर बैठ गए, धरने पर बैठने के लिए तो वोट नहीं। देखिए जहां तक अजय माकन जी की बात है, वो 0 से 1 लाना उसकी चुनौती है उनके लिए, 0 से 1 करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां तक विजेंद्र गुप्ता जी की बात है, ये बीजेपी का जो है दिल्ली के अंदर, ये सब ने मान लिया है, इन्होंने खुद मान लिया है, खुद बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिलते हैं हमारे को, वो कहते हैं कि भाई साहब हर दिल्ली में तो आप लोगों को हरा नहीं सकता, खुद कहते हैं, क्यों नहीं हरा सकता भाई, एक दिल्ली में आपने काम किए हैं।
अब ये तो कुछ भी बकवासबाजी करते रहो इनके कहने से। अब दावे तो वो भी कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, अब राहुल गांधी जो है पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो राहुल गांधी के अध्यक्ष बन गए हैं तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले से ही चल रहे हैं, उसको मैं क्या बताऊं। दावा किया जा रहा है कि तमाम स्टेट्स में कांग्रेस जो है वापसी करेगी। कहां करेगी भाई, स्टेट में वापसी करेगी तो स्टेट अपने आप ही करेंगे, राहुल गांधी से थोड़ी कुछ वापसी होनी है। बीजेपी को तो यही तो फायदा हो रहा है ना कि राहुल गांधी हैं, और क्या फायदा उनको, यही है कि भी ठीक है कर रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो काम किया है ना, जो क्रांतिकारी बदलाव किए हैं स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मुझे लगता है कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था, और ईमानदारी से काम किए जा रहे हैं। हमारे को पावर की जहाँ तक बात है, अभी केस अपना सुप्रीम कोर्ट में है, ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे अंडर में आ जाने दीजिए, ये एसीबी आने दीजिए, हम बताते हैं कि कैसे सरकार चलती है। भाई साहब हरियाणा का जब गठन हुआ 66 के बाद से अगर बात की जाए, तब वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, सड़कें नहीं थीं, लेकिन आज अगर विकास की बात की जाए तो तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पर एक से एक बढ़िया सड़कें हैं, मॉल बने हुए हैं, लोग भी जो हैं शिक्षित हैं, विकास तो नज़र आ रहा है। लेकिन अभी उतना विकास नहीं हुआ क्योंकि कई ज़िले जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर अब भी जो है सोच पुरानी है, वहाँ लोग करना तो चाहते हैं विकास लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं। देखिए राजनीतिक की जो शक्ति होती है ना, उसकी जो विल पावर होती है, उसकी वजह से भट्ठा बैठा हुआ है। जो डेवलपमेंट होती है ना, लोग अपने आप ही कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट हुई है इन सरकारों ने, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, हरियाणा को लूटने के अलावा, भट्ठा बैठाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो भी डेवलपमेंट हुई है वो अपने दम पे हुई है। हरियाणा के अंदर खिलाड़ी हैं ओलंपिक में, एशियाड में, अलग अलग जगह जाके मेडल लेके आते हैं। सरकार का क्या रोल है भाई उसमें? सरकार कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करता। खिलाड़ी जो है ना, उनके परिवार से जाके पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, अपने दम पे तैयार होता है, फिर सरकार कह देती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो मेडल लेके आता है, जो देश में नाम रोशन करके आता है, उसके बाद अगर वो कुछ को आप कुछ दे रहे हो तो उसको बनाने में आपका थोड़ी योगदान है। तो उसी तरह बात है कि ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप लोग कर रहे हैं, अपने दम पे लोगों के। आपको लगता है खिलाड़ियों के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो अभी कम हैं या उतनी? अपने दम पे जितने भी हरियाणा के मेडल आए हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आए हैं, मैं ज़्यादातर खिलाड़ियों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल पर्सनली। मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, MD यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स में PhD कर रखी है, और हब है वो स्पोर्ट्स का, तो मैं सारे स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं सबको जानता हूँ, ज़्यादातर को पर्सनली जानता हूँ। इन सरकारों ने किसी के लिए कुछ नहीं कर रखा, जब उन्होंने खुद किया है, खुद अपने दम पे काम किया, अपने दम पे वो किया। ये तो यार इनाम देने में रोवा पिट्टी करते हैं, ये जो अब सरकार आई है, और पीछे जो सरकार आई थी उनका भी मैंने देखा है, कोई पूछने वाला नहीं होता था। हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे आते थे, कोई जाने वाला नहीं होता था, कोई उनका मतलब सम्मान करने वाला नहीं होता था। तो ये तो अपनी पॉलिटिकल, उसके लिए जो चीजें की जा रही है, जब वो बन गए हैं तब तो सब फोटो खिंचवाने के लिए उनके पास आ जाते हैं। जो स्ट्रगल कर रहा है खिलाड़ी, उसके पास देखिए ना क्या दे रही है सरकार, उससे पूछे। केंद्र में जो है बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को का समर्थन हासिल करने के लिए, सपोर्ट जुटाने के लिए उनके पास जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों के साथ जुड़ने की बात करती है, तो कैसे आम आदमी जो है दावा कर रही है कि ये सब कुछ होगा? देखिए ये सेलिब्रिटियों के पास ही जाएंगे, आम आदमी तो इनके पास अब रहा नहीं, अब जो सेलिब्रिटी उन्हीं के पास जा जाके फोटो उतरवाएंगे ये। अरे आम आदमी के पास जाओ ना यार, तुम किसान के पास जाओ, खेत में जाके पूछो क्या चल रहा है भाई, गाँव में जाके देखो किसी आदमी के पास, वो जो ऊपर पंखा नहीं चल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, उसके पास जाके देखो ना, संपर्क अभियान चला के देखो। एक मजदूर के पास जाओ ना जिसको अपनी दाढ़ी नहीं मिल रही है, किसी दुखियारी महिला के पास जाके देखो ना, जा रहे हैं वहाँ पे सेलिब्रिटी 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 हो क्या है यार, वो तो अपना खा पी कर अपना मौज ले रहे हैं, उनको क्या लेना देना उनके पास। अरे तुम उनके पास जाओ ना नीचे, उनके पास जाओगे तो वो तो जूत मारेंगे, उनके पास जाने की हिम्मत थोड़ी है। तो घूमते रहो सेलिब्रिटियों के पास, चुनाव के टाइम पे पता चल जाएगा सेलिब्रिटी का। बहुत इशू उठा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, तो आम आदमी पार्टी तब सड़कों पर नहीं उतरी? नहीं, क्यों, बिल्कुल हमने तो विरोध किया है, बिल्कुल आवाज़ उठाई है। देखिए चाहे डीजल की बात है, पेट्रोल की बात है, देश में कुछ भी है, हर चीज़ को मतलब इन लोगों ने इस तरह कर दिया है कि भाई नहीं नहीं ये तो सब कुछ देश हित में हो रहा है, ये तो सब इनके घर भर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जिनकी इनकी हिस्सेदारी है वो चढ़ रही हैं, आम आदमी चुपचाप बैठा है, वो चुनाव के दौरान बता देगा।
आम आदमी पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, चुनाव से पहले ये दावा किया था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, जहां स्विस बैंक में जिन जो काला धन है वो वापस आएगा, आम आदमी पार्टी ने दावा किया। वहीं बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था चुनाव से पहले कि पूरे दिल्ली में कैमरे लगवा देंगे, फ्री वाईफाई होगा, ये बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन और ये भी दावे किए थे कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन वीवीआईपी कल्चर जो है छोड़ने की बात की थी, लेकिन अब सारा कल्चर जो है। जहाँ तक 15 लाख रुपए की बात है तो 15 पैसे भी नहीं आए हैं, वो तो बता दिया उन्होंने कि जुमला था, दावों को भी वो जुमला कह रहे हैं। नहीं नहीं, जुमले कैसे बताएंगे, हमने बिजली कही थी हाफ, पानी कही थी, माफ किया कि नहीं किया, हमने कहा था अच्छी एजुकेशन हेल्थ देंगे, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक तो बता दो ना कि एक काम किया, कुछ भी नहीं किया भाई साहब इन्होंने। बीजेपी का सिर्फ मतलब इतना रह गया है कि झूठ आपको बोलना कैसे बोलना, ये उनके पास है और कुछ नहीं है। हमने जो काम किया है वो लोगों ने देखा, वो दिख रहा है। बीजेपी के पास कोई चीज बताने के लिए नहीं है कि भाई उन्होंने ये चीज की है, और पूरे देश के लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ जाके ये कह सकते हैं कि हमने ये किया, कुछ नहीं कर रखा है। आजादी के बाद से अब तक चाहे प्रदेश की पॉलिटिक्स हो या भारत की पॉलिटिक्स हो, युवाओं की बात करें या देशवासियों की बात करें, उनकी जो उम्मीदें हैं वो कैसे पूरी होंगी, क्योंकि भले ही किसी का भी नेतृत्व रहा हो, किसी की भी पार्टी का शासन रहा हो, तस्वीर आज भी वही है, गरीब आज भी गरीब है, अनएजुकेटेड आज भी अनएजुकेटेड है, समस्याएं आज भी जस की तस हैं। पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन लोगों का विकास कब होगा, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कब पूरी होंगी? जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के लिए जब तक सजग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी जब अपने सत्ताधारियों से, अपने अधिकारियों से आंख में आंख डाल के पूछेगा कि आप वोट डालते समय आपने ये कहा था वोट मांगते हुए, अब इसका जवाब दो, तब कुछ बदलेगा। जब वो अपने अधिकारी के, उसको लगेगा ना तेरे टैक्स के पैसे से ये कुर्सी पे बैठा है, तो पता चलेगा, तब जागरूकता आएगी, तो ही कुछ बदलेगा। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक आम आदमी खड़ा नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग बदलेंगे। क्योंकि ये आम आदमी नहीं है, ये खास लोग हैं, राजनीति में खास लोग आते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ कहे, आप आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और उसके बाद पूरे देश में चेंज हुआ ना, अरविंद केजरीवाल ने लाल बत्ती नहीं ली तो हटी ना लाल बत्ती, पूरे देश में हटी ना, लोगों के बीच में नेता जाने लगे ना जब अरविंद केजरीवाल के दरवाजे 24 घंटे खुले, तभी तो चेंज हुए हैं भाई साहब ये, तभी तो आम आदमी की बात होने लगी है, अब सवाल जवाब करने लगे हैं ना आम आदमी। चलिए, सवाल जवाब करने लगे हैं, जागरूक हो रही है जनता, और जब जागरूक हो जाएगी तो बदलाव अपने आप आएगा, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े, आपने सीधे सवालों का सीधा और सटीक जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो आम और खास कौन है, ये पब्लिक है, ये सब जान रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बदलाव की बयार जरूर बहेगी और जरूर बदलाव आएगा, क्रांति आएगी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थी खास मुलाकात नवीन जय हिंद के साथ, अगले हफ्ते फिर ऐसी ही एक शख्सियत के साथ खास मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। नमस्कार।